तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सोनाटा उल्टा ऐसा नहीं सही है सोनाटा की वॉच का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ दोस्तों। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं लेके आ गया, आज कुछ अलग लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इसकी पहले अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। तो दोस्तों यार, अभी आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देख ली होगी, कैसी लगी अनबॉक्सिंग कमेंट करके बता। अब मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है और इसकी प्राइसिंग कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है, सब मालूम पड़ेगा। तो चलिए एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं ये सोनाटा का, आप लोग दोस्तों नाम सुनते ही अब आप लोगों को समझ में, मतलब आप लोगों को इसके अंदर सोनाटा लिखा है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे कौन सी कंपनी का वॉच है। ये कंपनी सोनाटा लिखा मतलब ये दोस्तों टाटा का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ सबसे पहले कि इसकी वारंटी कितनी है। इसकी वारंटी है 1 साल की 12 महीने की वारंटी है। और आप इसको अच्छे से, मतलब अगर कुछ भी कुछ प्रॉब्लम होता है दोस्तों, आप इसको रिपेयर। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो इसके अंदर वारंटी कार्ड फिलहाल मुझे नहीं मिली है। ठीक करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग दोस्तों इसकी, इसमें तो लिख के रखा है 699, लेकिन दोस्तों 600-700 रुपये का नहीं है, ये है 500, मुझे ये 517 रुपीज़ का पड़ा है, 517 रुपये का मुझे ये पड़ा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ये वाटर प्रूफ है कि नहीं, तो दोस्तों ये वाटर प्रूफ है वॉच, आप अच्छे से इसको यूज़ करते हैं, अगर थोड़ा बहुत पानी भी जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सर आप लोगों ने अनबॉक्सिंग में देख लिया, लेकिन अब मैं इसको सामने आपके खोल के दिखाता हूँ इस वॉच को, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर पूरा पैक है हमारा वॉच, दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारा वॉच, आप देख सकते हैं सामने हमारा वॉच है। और ये देखिए इसका टाटा का यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है, सोनाटा कंपनी का है ये वॉच। इसको साइड में रखते हैं निकाल के। और अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके बारे में, ये किस चीज़ से बनाया गया है। जो आप साइड में कोटिंग देख रहे हैं ये ABS प्लास्टिक है और ये रबर है दोस्तों, ठीक है। और ये छोटा सा हमने देख लिया, हमने इसको ओपन कर दिया है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ये जो रबर का जो दे रखा है, ये दोस्तों मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, प्लास्टिक में नहीं है। और बाकी मुझे जहाँ तक लगता है बाकी उसमें प्लास्टिक थोड़ा थोड़ा मिक्स रहता है, ये फुल रबर है और ये जल्दी निकलेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं, थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है अच्छा है ये। और मुझे ये इसमें जो स्टाइल जो दे रखी है ना, मतलब थोड़ी सी डिज़ाइन कर रखा है, वो मुझे अच्छा लगा। सर मैं आपको थोड़ी सी इसके ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसको लेते हैं तो। तो सबसे पहले दोस्तों यार ये जो बेल्ट है ना साइड से, ये निकल सकता है। तो ये आप ज़्यादा पैसे नहीं रखते, घर पे भी बना सकते हैं या बाहर ले जाके बनवा सकते हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। घड़ी में दे रखा है कि आप यहाँ से साइड से निकाल भी सकते हैं और इसमें वापस लगा भी सकते हैं। तो चलिए अब ये देखिए इसकी जो छोटी सी स्क्रीन टाइप है, ये ग्लास है, ये मतलब फाइबर नहीं है, ये ग्लास है। और इसके ऊपर दोस्तों ये दे रखा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों यार अभी आप लोगों ने ये देख लिया हमारा वॉच। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये अगर वॉच खरीदते हैं तो और एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या हो सकता है दोस्तों। जो हाथ जिसका थोड़ा सा पतला होता है यहाँ से, वो दोस्तों उसको थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा सा ढीला होता है ये वॉच। तो दोस्तों आप जाके वहाँ पे कहीं दुकान पे जाके आप इसको यहाँ पे साइड में एक और छोटा सा होल यहाँ पे करवा सकते हैं, तो आपके ये हैंड में अच्छे से फिक्स हो जाएगा ये। हाँ हाँ, मेन ये है दोस्तों, ये है मेड इन इंडिया, हम ये चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदे हैं, हमने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ख़रीदा है। तो लाइक कर दीजिए। तो सर अब बात करते हैं क्वालिटी की। तो दोस्तों आप लोग टाटा का प्रोडक्ट सुनते ही दोस्तों यार क्वालिटी का आपको समझ में आ गया होगा कैसा है ये। दोस्तों कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं ये अपने तरफ से बता रहा हूँ, नहीं तो लोग कभी कभी स्पॉन्सर्ड समझ लेते हैं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को, 1K करवाने जल्दी, बाय।